मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय वन भूमि पर हरियाली एवं पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधारोपण किया जाता है, जिस पर सरकार द्वारा सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देवास जिले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से बेशकीमती सांगवान वृक्षों की अवैध रूप से कटाई का गोरख धंधा प्रतिदिन फल फूल रहा है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना यह कार्य संभव नहीं है। वन विभाग कभी कभी दिखावे की कार्यवाही कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कन्नौद वन परिक्षेत्र से सांगवान वृक्षों की अवैध कटाई का खेल वन माफियों के द्वारा बेखौफ होकर किया जा रहा है और अधिकारी कुछ इस तरह की कार्यवाही कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। दरअसल कन्नौद के ग्राम ननासा में मात्र एक भाजपा नेता के घर से 114 नग एवं 0.758 घन मीटर बेशकीमती अवैध सांगवान की लकड़ी, जिसकी कीमत 39,585 रुपए बताई जा रही है, उसको जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि हकीकत तो यह है कि पूरे क्षेत्र में वन माफियों की बाढ़ सी आ गई है, पर जिम्मेदार उन पर कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहे हैं यह सब जनता जानती ही है। जबकि कन्नौद वन परिक्षेत्र में जब से नए रेजर अधिकारी आए हैं, वन माफियों के द्वारा सांगवान वृक्षों की अवैध कटाई बड़ी मात्रा में की जा रही है। उस हिसाब से रेंज अधिकारी के द्वारा बड़ी मात्रा में वन माफियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, जो होती नजर नहीं आती, जबकि मात्र छुटपुट कार्यवाही कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी इस ओर आंखें मूंद कर बैठे हैं और वन माफियों से साठ गांठ कर कर्मचारी वारे न्यारे हो रहे हैं। यदि इसी प्रकार से यह गोरख धंधा फलता फूलता रहा तो एक दिन देवास जिले में बेशकीमती सांगवान वृक्षों का खात्मा हो जाएगा, जिसका खामियाजा आमजन को पर्यावरण के रूप में भुगतना पड़ेगा। देवास से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। सर आज लकड़ी कहाँ से पकड़ी और कितनी लकड़ी है ये? ननासा से पकड़ी है। किसके यहाँ से पकड़ी सर? का नाम है रामोतार मालवी। कितने लगे सर ये? 114। इसकी कीमत और घन मीटर कितनी सर? इसकी कीमत है का नाम है लगभग 50,000 के करीब। 50,000 के करीब। कितने घन मीटर के आसपास होगी श्रीमान? अनुमानित का नाम है अनुमानता होगी का नाम है दो एक घन मीटर एक घन मीटर। अच्छा, तो ये ननासा में कब पकड़ी है? ये सुबह का नाम है 9 बजे करीब। तो ये जो जिनके यहाँ से पकड़ी है वो कुछ किसी पार्टी से संबंध नेता है क्या? कोई नेता नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.